नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषि शर्मा। कैथल में पुलिस ने आंखों में मिर्च डालकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी विवेक चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार जब वह बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था तब बदमाशों ने मिर्ची पाउडर उसकी आंखों में डाल उसका बैग छीन वे फरार हो गए। शिकायतकर्ता अनुसार बैग में 46,000 रुपये नकदी थी। पुलिस ने इन शातिरों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे व टेक्नोलॉजी की मदद से जाल बिछा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच दौरान दोनों आरोपियों ने दो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात कबूली। आज की प्रेस वार्ता जो हमने एक केस रजिस्टर किया था 240 नंबर सिविल थाना में, ये 9 तारीख की वारदात है। 9 तारीख को जो शाम फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल पंप, उसका जो मैनेजर है राहुल, वो अपनी स्कूटी पे जा रहा था पैसे कैश जमा कराने के लिए। तो रास्ते में ही उसके आगे बाइक लगाई दो लड़कों ने, स्प्लेंडर बाइक थी, बाइक लगाकर उस पर आँखों में उसकी मिर्च डालकर और उसका जो पिट्ठू बैग था जो उसने नीचे रखा हुआ था अपने उसमें, उसको छीन के और वो भाग गए थे। तो उस पर हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर्ड करके अब फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करके जब हमने सारी की सारी इसकी रूट मैपिंग करी, उसकी सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस किए, तो हमने इनमें 3 आदमियों को अरेस्ट किया। इसमें 2 लड़के तो फरल के हैं और एक लड़का जो है ये पंजाब का है, लालड़ू का। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनसे जब पूछताछ करी गई तो उन्होंने कन्फेस किया अपने क्राइम को। और इनसे फिर हमने जो इन्होंने 46,000 रुपये छीने थे उसमें से इन्होंने हमारे 14,000 रुपये तो कैश रिकवर करवाए। और इन्होंने कुछ मोबाइल परचेज किए थे एप्पल के, एक 7S मोबाइल है और एक 5S मोबाइल।